हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजिटल टैकोमीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और टैकोमीटर्स की मदद से आप कैसे अपने कार्ब्यूरेटर को ट्यून कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल टैकोमीटर्स के बारे में मैं बताता हूँ। डिजिटल टैकोमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी रोटेशनल मोशन में घूमने वाली मशीन का RPM हमें मेजर करके बताता है। इस डिवाइस की मदद से हम इंजन की RPM यानी रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट के बारे में पता लगाते हैं, यानी कि एक मशीन एक मिनट में कितने चक्कर लगा रही है, ये डिवाइस उसके बारे में हमें बताता है। डिजिटल टैकोमीटर्स दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट टाइप और एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप को हम ऑप्टिकल टैकोमीटर भी कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है। ये कैसे काम करता है? इसमें एक लेज़र डायोड होता है और एक फोटो डायोड होता है। लेज़र डायोड एक लेज़र बीम छोड़ता है। ये बीम जब किसी सतह से टकराती है तो इस डिवाइस के अंदर लगा हुआ फोटो डायोड, जिसे फोटो वोल्टिक सेंसर भी कहते हैं, वो उस लाइट को कैच करता है। जितनी बार भी जब कोई घूमती हुई चीज़ इस लाइट के सामने से गुजरती है, उतनी बार टैकोमीटर हर सेकंड के हिसाब से रिवॉल्यूशन पर मिनट शो करता है, यानी RPM शो करता है। एक दूसरे तरह का टैकोमीटर भी आता है जिसे इंडक्टिव स्पार्क RPM मीटर कहते हैं। वो इस तरह के टैकोमीटर से सस्ता भी होता है, पर उससे हम सिर्फ इंजन के RPM का पता लगा सकते हैं। इस तरह के इंडक्टिव स्पार्क RPM मीटर में दो तरह की वायर्स होती हैं, एक ब्लैक वायर जो कि इंजन के ग्राउंड या चेसिस पर लगाई जाती है, और दूसरी रेड कलर की वायर होती है जिसे स्पार्क प्लग की जो मोटी वायर होती है, हाई टेंशन वायर कहते हैं, जिसे ST वायर कहते हैं, उसके ऊपर उसको बांधना पड़ता है। इंडक्टिव टाइप थोड़ा सस्ता होता है और उसे हम एज अ मॉडिफिकेशन परमानेंटली अपनी बाइक में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रही टैकोमीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब देखते हैं कि इसकी मदद से कार्बोरेटर को ट्यून कैसे करते हैं। सबसे पहले बाइक के इंजन को हमें गर्म करना है ताकि इंजन अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ जाए। इंजन गर्म होने से इंजन की हर चीज़ में बदलाव आते हैं। इंजन की RPM बढ़ जाती है, इंजन के अंदर कंबसन काफ़ी अच्छा हो जाता है, और इसी वजह से ही इंजन के एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी कम निकलते हैं। यानी कंबशन जितना अच्छा होगा, जितना अच्छी तरह से होगा, उतने ही पॉल्यूटेंट्स कम निकलते हैं। आपने देखा होगा आपके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स में CO और HC लिखा होता है, ये वही पॉल्यूटेंट्स होते हैं। यानी बाइक का इंजन जितना अच्छा होगा, उतने ही कम वो पॉल्यूटेंट्स हवा में छोड़ेगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इंजन के गर्म होने से इंजन बेहतर तरीके से काम कैसे करने लगता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ जाती है? ये आप अपने मैकेनिक से जाकर पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। आप जानते होंगे कि इंजन में पिस्टन के ऊपर रिंग्स होती हैं, जिन्हें पिस्टन रिंग्स कहते हैं। ये या तो 4 के पैर में या 5 के पैर में आती है। तो रिंग्स का काम होता है कंबशन चैम्बर के अंदर जो प्रेशर बनता है उसको लीक ना होने देना, ताकि पूरा प्रेशर पिस्टन को दबाए और जलता हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर लीक ना हो। यानी वो जो पूरा प्रेशर बनेगा इंजन के अंदर, वो पूरा का पूरा पिस्टन को दबाने में यूज़ हो और उसी से हमारी बाइक को पावर मिले। बाइक के कंबशन चैम्बर को पूरी तरह से सील करने के लिए हम रबर की रिंग यूज़ नहीं कर सकते, रबर की गैस्केट हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रिंग्स 2 सेकंड में जल जाएंगी। इसलिए हमें पिस्टन के ऊपर मेटल की रिंग्स का यूज़ करना पड़ता है। अब मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल जितना गर्म होता है उतना ही वो फैलता है। इसलिए किसी भी इंजन में जो पिस्टन रिंग्स होती हैं वो पूरी तरह से बंद नहीं होती, यानी वो पिस्टन के चारों तरफ पूरी तरह से बंद नहीं रहती, उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है।
उनके बीच में 0.2 mm से लेके 0.4 mm का गैप होता है, जिसे रिंग एंड गैप कहते हैं। जब इंजन गर्म होता है तो ये रिंग्स फैलकर पूरे पिस्टन के चारों तरफ एक टाइट सील बना लेती हैं। जितनी अच्छी सील होगी और जितना रिंग्स के बीच में कम गैप होगा, उतना ही अच्छा कंप्रेशन बनेगा और उतना ही अच्छा इंजन परफॉर्म करेगा। अगर ये गैप ना छोड़ा जाए तो रिंग्स को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती और ये रिंग्स टूटकर पिस्टन सिलेंडर को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए जब इंजन गर्म हो जाता है तो ये रिंग्स फैलकर बिल्कुल टाइट सील बना लेती हैं पिस्टन के चारों तरफ, और हवा को, यानी जो कंबशन गैसेस होती हैं, उनको लीक नहीं होने देती। तो अब आपको पता चल गया है कि ट्यूनिंग करने से पहले इंजन गर्म करना क्यों ज़रूरी होता है। तो आइए हम अब कार्बोरेटर को ट्यून करना शुरू करते हैं। जैसा कि ये एक ऑप्टिकल टैकोमीटर है, यानी इससे कोई घूमती हुई चीज़ चाहिए। इसके लिए हम अपनी फ्लाई व्हील मैग्नेट के ऊपर एक वाइट फ्लूइड पेन से निशान लगाते हैं, ताकि हर चक्कर पे वाइट निशान से लेज़र बाउंस करके इस टैकोमीटर को पता चल जाए आरपीएम कितनी है। एक नॉर्मल बाइक की आरपीएम 1200 से लेके 1400 होनी चाहिए। कई लोग इस आरपीएम को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरपीएम को कम रखने से क्या नुकसान है, ये तो अच्छा है कि फ्यूल की बचत होगी। ये बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। होता क्या है कि कार्बोरेटर में बहुत बारीक जेट्स होते हैं, और इन्हीं जेट्स के थ्रू बारीक एयर फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर के अंदर मेन होल से होते हुए, जिसे वेंचुरी कहा जाता है, उससे होते हुए इंजन में जाता है। इस वेंचुरी में से जितनी तेज़ हवा बहती है, फ्लो करती है, उतना ही अच्छा एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन की तरफ बढ़ता है। आपने देखा होगा कि स्प्रे करने वाली बोतल से या परफ्यूम की बोतल को जितना ज़ोर से दबाओगे, उतना ही बारीक और अच्छा स्प्रे निकलता है। तो जितना अच्छा स्प्रे होगा, जितना अच्छा मिक्सचर होगा एयर फ्यूल का, वो उतनी ही जल्दी जलेगा, उतनी एफिशिएंटली जलेगा, यानी उतना ही अच्छे तरीके से जलेगा। सेम यही तरीका कार्बोनेटर में भी होता है। अगर आप चाहें तो इस टेस्ट को अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप अपनी बाइक का आरपीएम बिल्कुल लो कर देंगे और फिर आप उसको एकदम से फर्स्ट गियर में उठा के देखेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट गियर में उठाएंगे तो आपका इंजन एकदम से बंद हो जाएगा। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि इंजन लो आरपीएम पे सही मिक्सचर नहीं बना पाता, और पेट्रोल अलग से और हवा अलग से इंजन में जाती हैं, जो कि बाद में जाके कंबशन चैम्बर के अंदर मिक्स होती हैं। अब आप इस वीडियो से ये भी जान पाए कि हमें हमेशा आरपीएम अपनी यूज़र मैनुअल के हिसाब से रखना चाहिए, जो कि आप 1200 से 1400 के बीच में रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंजन को अच्छे से गर्म करने के लिए आपको बाइक को 2-3 किलोमीटर चला के लाना है, फिर उसे डबल स्टैंड पे खड़ा कर दें। इंजन को बंद ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसके फ्लाई व्हील अलाइनिंग एक्सेस पोर्ट को अपने इस हेक्स की से खोल रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसका आरपीएम स्क्रू घुमाकर 1200 पे सेट कर लिया। अब मुझे टैकोमीटर में देखते हुए एयर फ्यूल मिक्सचर के स्क्रू को पूरा अंदर घुमाना है, और फिर उसे पूरा एक राउंड बाहर की तरफ खोलें। अब टैकोमीटर में देखते हुए हमें इस मिक्सचर स्क्रू को घुमाना है। अंदर या बाहर घुमाते हुए हमें वो पॉइंट देखना है जहां हमारी बाइक का आरपीएम सबसे ज़्यादा होगा। वहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर को छोड़ दें, और आरपीएम अगर बढ़ गए हैं तो आरपीएम आइडल स्क्रू से, जो कि दूसरा वाला स्क्रू है, इसको बंद करके या टाइट करके हमें फिर से 1200 से लेके 1400 के बीच में इसे सेट करना है। 1200 से 1400 के बीच में सेट करने के बाद आपकी बाइक का कार्बोरेटर सेट हो जाएगा। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि टैकोमीटर की मदद से कार्बोरेटर की ट्यूनिंग कैसे की जाती है। अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नई बातें पता चली हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और मेरी नई वीडियोस के बारे में जानने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।